दिल्ली के आरकेपुरम इलाके से सुबह तड़के दो महिलाओं के गोली लगने की खबर आई, जिनकी मौत की पुष्टि फिलहाल कर दी गई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सफदरजंग अस्पताल में है, जिस अस्पताल के अंदर में उन दोनों महिलाओं की बॉडी का पोस्टमार्टम जारी है। और फिलहाल जो परिजन हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी इस वक्त यहाँ अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने उस पूरी घटनाक्रम को देखा, इनसे ही जानते हैं क्या हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपने क्या देखा? मैडम, मैंने ये देखा कि हम जगे तो वो लड़का ललित भाई फोन पे बात कर रहे थे, और एकदम से वो लड़के आए, वो थे 12-13 लड़के, उनके हाथ में थे हथियार। उन्होंने एकदम से जाके ललित को पकड़ा, पकड़ने से वो हथियार लिया तो उन्होंने फायरिंग कर स्टार्ट कर दी। एक ने मेरे को भी बोला, एक को मैंने बोला बंदूक नीचे कर ले, तो उसने भी मेरे को भी करा तो कर ले। फिर एक वो चार ने आगे फायरिंग करने लगा, एक मेरे पीछे से फायर कर रहा था। कितने लोग टोटल थे? 12-13 लोग थे वो। क्या एग्जैक्टली हुआ था, और आप जब जगे, क्योंकि कितने बजे, पहले तो ये बताइए कितने बजे के आसपास की ये घटना है? पहले इनके घर में 1:30-1:30 बजे पहले आए थे, दरवाजे पे लात वात ईटे वीटे मार के गए थे, तो उनकी बहू ने उन्हें उठाया, दरवाजा खोला नहीं। उसके बाद फिर मैडम ये उसके बाद ही दोबारा घटना हुई है, ये 3 या 3:30 बजे के बाद। मतलब वो एक बार रेकी करने 1:30 बजे के आसपास आए और फिर वापस चले गए थे, आप क्या देखते? मैम, जब एक दो 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 डेढ़ या दो के बीच में आए थे इन्होंने, पहले ईंट पत्थर से दरवाजा तोड़ा, फिर दरवाजा नहीं टूटा तो फिर ये लोग वापस चले गए थे। फिर ये आए करीब 3:30 के बीच में, फिर आते ही ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लग गए, उसमें दो बहनें की मौत हो गई। पाँच छह आदमी के हाथ में पिस्टल थे। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमार है। आपका नाम? राजेश बहादुर। आप दोनों ही किस तरीके से जिन महिलाओं की मौत हुई है उनसे कैसे जुड़े? हम पड़ोसी है, सामने रहते हैं, हमारी मौसी भी लगती है, वैसे हम धर्म की हमारी बहन भी है, और हम ही उठा के यहाँ पे अस्पताल में लेके आए थे ऑन स्पॉट में। आप मुझे ये बताइए, जो आप बता रहे हैं पूरे घटनाक्रम की, वो पहले भी आए थे और रेकी किए थे, और बताया जा रहा है कि कुछ आपसी इनकी रंजिश थी जिसमें ये घटना हुई, क्योंकि आप पड़ोसी, आपको किसी बात की जानकारी है? जानकारी नहीं थी, मगर ये है कि बात सुनाई में आई थी, दोनों की बात हुई है, मगर ये नहीं पता लगा था क्या बात हुई है। मगर जब वो आए तो उन्होंने हमसे बात करी, ना चीत करी, सीधा वो आते ही मैडम फायरिंग करने लग गए। चार आगे कर रहे थे मैडम, एक मेरे पीछे कर रहा था फायरिंग। तो आपने सुना किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को इन दो प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने आप को ये पड़ोसी भी बता रहे हैं, दोनों महिलाओं की फिलहाल मौत हो गई है, और जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम निकल कर सामने आए हैं, देखना होगा आगे पुलिस की जांच में किस तरीके से चीजें निकल कर सामने आती है। कैमरामैन सुनील के साथ रुद्रोहिणी। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।